सो गाइस, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं बेसन के मोदक। और ये देखिए, इसके लिए मैंने दो छोटी कटोरी बेसन ले लिया है और एक छोटी कटोरी मैंने इसमें घी डाल रही हूँ। अब इसको हम मध्य आंच पे भून लेंगे। घी आप अपन अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए घी। ऐसे रेशो यही है और आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है कि मुझे इसमें बाद में गोंद सेकनी है। मैं गोंद अलग से नहीं सेक रही हूँ, मैं आपको आज नई ट्रिक बता रही हूँ कि गोंद हम साथ ही साथ बेसन के इसी घी में, इसी बेसन में मैं आपको गोंद सेक के बताऊँगी। तो जैसे ही हमारा ये बेसन भुनेगा, घी छोड़ देगा, उसके बाद मैं अपना जो गोंद है, आप देख सकते हैं जो गोंद है, इसको मैं बेसन के साथ ही सेकूंगी। ये आप देख सकते हैं कैसे बेसन मेरा भुन रहा है। अच्छे से बेसन भुन रहा है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी गोंद डाल दूंगी, डायरेक्टली मुझे डायरेक्टली डालना है। ये आप देखें, मुझे इसे अलग से नहीं भूनी है मैंने गोंद, आप देख सकते हैं मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दी है और ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगी। जैसे ही ये नीचे वाली पहले वाली होगी तो हम थोड़ी और इसमें डाल देंगे। तो पहले ही बेसन में आप घी थोड़ा सा ज़्यादा रखें जिससे वो गोंद पी सकती है। तो थोड़ी सी गोंद और मैं डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून के बराबर। तो गाइस, दो कटोरी हमारा बेसन था और लगभग पौना कटोरी घी था, दो टेबल स्पून गोंद है मेरी और करीब करीब उसी के माप से ये आप देख सकते हैं बूरा है, पौना कटोरी जो माप ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। ये देखें आप गोंद का कैसे, हमें अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है, सारी गोंद ऊपर आ गई है। आप चाहें तो इसमें और भी गोंद डाल सकते हैं और नहीं तो इतना भी डाल। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये गोंद हमारी अच्छे से फूल गई है और बेसन भी भुन गया है, इसका अच्छे से कलर पूरा चेंज हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद में इसमें बूरा मिला लूँगी, या जहाँ पे बूरा अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आप शक्कर पीस के भी डाल सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये बेसन मेरा ठंडा हो गया है और हल्का सा गुनगुना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं किया है, आप देखें इसे। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बूरा, आप देखें। तो ये बूरा डाल के और गोंद आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें, ये गोंद आपको क्लियर दिख रही होगी, गोंद देखा होगा आपने। हाँ, अब इसमें मैं मिला रही हूँ ये बूरा, आप अंदाज से ले लें, मैंने आधा कटोरी के करीब लिया है, आप अंदाज से लें और इसे अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिला के और फिर हम इसको मोदक बना लेंगे। दोनों हाथ से अच्छे से मसल लें और फिर हाँ बढ़िया से इसको अच्छे से मसल के एक सार करके और फिर इसको मोदक के सांचे में डाल के हम अच्छे से मोदक बना लेंगे। तो ये तैयारी है, मोदक बस बनने ही वाले हैं, जस्ट मिनट में ये मिक्स हो जाए अच्छे से उसके बाद। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये मोदक की सांचे की हेल्प से, ये मोदक का सांचा है, इसकी हेल्प से मैंने अच्छे से इसमें डाल के ये मोदक बना लिए हैं और हमारे मोदक बिल्कुल रेडी हैं गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए। तो ये मेरे बहुत टेस्टी और लाजवाब मोदक हैं, आप ज़रूर बनाएं।